पाकिस्तान के बुरे हालातों के बीच उसे सबसे ज्यादा मदद की उम्मीद सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन से थी, लेकिन अब पाकिस्तान के सबसे अजीज देशों ने भी मदद से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान को बचाने में अपनी सभी उम्मीदों को हार चुके शहबाज शरीफ यूएई को पाकिस्तान की 5 बड़ी सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले थे, जिसको लेकर भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद की उम्मीद थी, लेकिन खबर है कि यूएई के राष्ट्रपति ने अपना पाकिस्तान दौरा भी रद्द कर दिया है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयात ने ऐन मौके पर अपने दौरे को रद्द करने के पीछे की वजह खराब मौसम को बताया है। यूएई के राष्ट्रपति का दौरा रद्द करने से पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई है। ऐसे में अब अपनी हर उम्मीदों को हारता पाकिस्तान को अपनी सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचना ही आखिरी रास्ते के तौर पर दिख रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सरकारी तेल और गैस कंपनी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान नेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में हिस्सेदारी बेचने के लिए यूएई को प्रस्ताव दिया है। यूएई पहले ही पाकिस्तान को $1 अरब का नया लोन देने का ऐलान कर चुका है, साथ ही $2 अरब के पुराने लोन को भी फिलहाल वापस नहीं मांग रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी शहबाज शरीफ यूएई से और ज्यादा लोन की मांग करने वाले थे। हालांकि कर्ज की आदत पड़ चुके पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई ने पहले ही साफ कर दिया था कि अब वो पाकिस्तान को फ्री में कोई भी पैसा नहीं देने वाले हैं। ऐसे में अब यूएई की तरफ से पाकिस्तान को लेकर नया तरीका अपनाया जा रहा है। यूएई पाकिस्तान की उन कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है जो फायदे में चल रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान जिस रास्ते पर बढ़ रहा है, आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान के पास अपना कुछ भी नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान की सत्ता से लेकर अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के द्वारा चलाई जाएगी। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।